सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टैंड अप क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में मैं एक बार फिर से लेकर के आ गया हूँ आप सभी के लिए टॉप 30 जीके क्वेश्चंस का पार्ट टू। तो जैसा प्यार आपने इसके पार्ट वन पे दिया था, बिल्कुल वैसा ही प्यार जो है इस पार्ट पर भी दीजिएगा। सो चलिए आज के क्लास हम लोग शुरू करते हैं, बने रहेगा हमारे साथ में इस क्लास के अंत तक, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो सके। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ, वो किसी ना किसी एग्जाम्स में जरूर पूछे गए हैं, और ये क्वेश्चन आपके भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं 100%। सो इन क्वेश्चन को आप बिल्कुल मत मिस कीजिएगा, और साथ में सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टैंड अप क्लासेस को भी, ताकि ऐसे ही वीडियोस मैं आपको डेली दे सकूं, ताकि आपके एग्जाम की तैयारी और बेहतर हो सके। और अगर वीडियो पसंद आता है तो एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करके जरूर जाइएगा प्लीज़, क्योंकि ये वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है। और जो लोग मुझे खबरी पे फॉलो करते हैं, मैं उन्हें बता दूं कि आज का क्लास आ गया है, आप लोग जा करके देख लीजिए, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो लोग नहीं फॉलो करते हैं, उन्हें मैं बता दूं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में खबरी ऐप का लिंक है, आप लोग खबरी ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहाँ पर स्टैंड अप क्लासेस को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर डेली अलग से आपके एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है। मैं आपको बता दूँ कि खबरी ऐप जो है एक बहुत ही खूबसूरत ऐप है, जैसे आप लोग यूट्यूब पे जो है वीडियो के थ्रू तैयारी करते हैं, वैसे वहां पे जो है ऑडियो के थ्रू आपके एग्जाम की तैयारी कराई जाती है, जो कि दिन में 2 से 3 क्लासेस आपके एग्जाम से रिलेटेड जो है दिए जाते हैं। सो अगर आपको एग्जाम की तैयारी को जो है आपको और बेहतर करना है, तो हमें खबरी पे फॉलो जरूर कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए डाउनलोड कीजिए खबरी ऐप को और वहां स्टैंड अप क्लासेस को फॉलो कर लीजिए। सो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के पहले सिग्नेचर बीज का उद्घाटन किया गया है। जी स्टूडेंट्स, अभी काफ़ी में जो है अभी हाल ही में ये सिग्नेचर बीज जो था ये काफ़ी चर्चा में रहा, ठीक है। तो पूछ रहा है कि अभी हाल ही में जो है सिग्नेचर बीज का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। तो ये सिग्नेचर बीज का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो किया गया है ये जो है अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसे याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर देश में भारतीय राष्ट्रीय सिनेमा संग्रहालय का उद्घाटन किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में कहाँ पर देश में भारतीय राष्ट्रीय सिनेमा संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है, तो ये उद्घाटन किया है मुंबई में। कहाँ पे किया गया है ये उद्घाटन मोदी जी के द्वारा, मुंबई में, ठीक है, जो कि भारतीय राष्ट्रीय सिनेमा संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ब्राउन तितलियों की खोज हेतु कंचनजंगा पार्क सुर्खियों में रहा है या किस राज्य में स्थित है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका जवाब आपको जरूर पता होगा, क्योंकि मैंने आपको जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क से रिलेटेड सारे क्वेश्चन करा दिए थे। तो जरा मुझे बताइए कंचनजंगा पार्क जो है किस राज्य में स्थित है, तो ये आपके जो है सिक्किम राज्य में है। कहाँ पे है, सिक्किम राज्य में, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको जरूर याद होना चाहिए, क्योंकि मैंने दिवस से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस जो है सॉल्व करा दिए थे आपके पिछले वीडियोज में, ठीक है। तो जो लोग देखते हैं मेरा डेली क्लास, उन्हें पता होगा कि मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, ये हर वर्ष जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हाल ही में किसे रैमन मैग्सेसे अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर क्वेश्चन देख लीजिए। तो हाल ही में जो है किसे रैमन मैग्सेसे अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है, तो उनका नाम है रवीश कुमार। किसे किया गया है, रवीश कुमार, याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, राष्ट्रीय प्राधिकरण के चेयरमैन पर्सन की नियुक्ति कौन करता है। तो राष्ट्रीय प्राधिकरण के चेयरपर्सन की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति जी करते हैं, ठीक है, कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। और हमारे वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, रामनाथ कोविंद, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में गर्म दली आंदोलन के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जब आंदोलन की लड़ाई चल रही थी, मतलब भारत को आज़ाद कराने के लिए, उस समय दो दल थे, एक गर्म दल था और एक नरम दल था। तो पूछ रहा है कि उस समय जो गर्म दली आंदोलन हुआ था, उसके पिता के रूप में किसे जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है, याद कर लीजिएगा, बाल गंगाधर तिलक जी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मुख्य सतर्कता आयुक्त CVC की नियुक्ति कौन करता है। तो कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के पार्लियामेंट का उद्घाटन कब किया गया। ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है, ठीक है। जो मेरा लोकसभा और राज्यसभा वाला क्लास अगर जिस भी स्टूडेंट ने देखा होगा, उसे पता होगा कि पार्लियामेंट का उद्घाटन कब किया गया था। तो पार्लियामेंट का जो है उद्घाटन कब किया गया था, तो भारतीय पार्लियामेंट का उद्घाटन 1927 में हुआ था, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था, तक्षशिला था, ठीक है, याद कर लीजिएगा, क्या था, तक्षशिला। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री फाहान भारत आया था। तो किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री फाहान भारत आया था, तो ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में जो है
वो भारत आया था, ठीक है, कौन, चीनी यात्री फहान। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हर्ष के समय शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? कन्नौज था, ठीक है, याद कर लीजिएगा कौन सा था, कन्नौज। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये तो आपको पता ही होगा कि पंजाब केसरी के नाम से जो है लाला लाजपत राय जी को जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? 1943 में। कब दिया था? 1943 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह कौन सा है? तो सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह कौन सा है? शुक्र है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मानसून किस भाषा का शब्द है? तो मानसून किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का, ठीक है, याद कर लीजिएगा। जो हम लोग मानसून कहते हैं, मानसून आ गया, तो मानसून जो है आपके अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो सूर्य के इर्द गिर्द जो परिक्रमा करते हैं, ठीक है, आपके जो सोलर प्लैनेट्स हैं, तो इनमें से कौन जो है सबसे अधिक समय लेता है? कौन सबसे अधिक समय लेता है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी पृथ्वी और ऑप्शन डी है बृहस्पति। तो कौन सबसे जो है अधिक समय लेता है? बृहस्पति लेता है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। और ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया हूँ, आपको इसका जवाब जरूर पता होगा, ठीक है। तो कौन सा है? प्रशांत महासागर जो है विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल के प्रवाह को नियंत्रित करती है? ये क्वेश्चन भी आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। तो हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल के प्रवाह को नियंत्रित करती है? महानदी, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्बन क्या है? तो कार्बन क्या है? एक प्रकार का जो है अधातु है, ठीक है, क्या है? अधातु है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मानव त्वचा का रंग किससे बनता है? तो ये आप लोग कक्षा 9th में ही पढ़े होंगे कि मानव त्वचा का जो रंग बनता है वो मेलानिन के कारण बनता है, ठीक है। मेलानिन से क्या होता है? मानव के त्वचा का रंग बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं? स्तंभ मूल, क्या कह ली जाती हैं? अस्तम्भ मूल कही जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अल्पकोहल पेय के लिए उपयुक्त है? तो निम्न में से जो है कौन अल्पकोहल पेय के लिए उपयुक्त है? एथेनॉल, कौन सा है? एथेनॉल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु द्रव्य अवस्था में पाई जाती है? तो मरकरी जो है आपका द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। और साथ में मैं आपको बता दूं कि गैलियम भी जो है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड पाया जाता है, ठीक है, याद कर लीजिएगा, लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मेघ गर्जन वायुमंडल में किस परत में होता है? तो मेघ गर्जन जो है वायुमंडल के किस परत में होता है? क्षोभ मंडल में, ठीक है। और ये ही हमारे इन्वायरमेंट का सबसे निचला मंडल है, ठीक है, पृथ्वी का सबसे निचला मंडल इसी इन्वायरमेंट का कौन सा है? क्षोभ मंडल है। मैंने आपको पढ़ाया था ये क्वेश्चन, मुझे याद है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेफ्टी टैंक से निकलने वाली गैसों के मिश्रण में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो सेफ्टी टैंक से निकलने वाली गैसों के मिश्रण में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? मीथेन होता है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? ऑप्शन ए मलावी, ऑप्शन बी चाड, ऑप्शन सी विक्टोरिया और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी झील बनाती है? विक्टोरिया, ठीक है। क्या करती है ये जो है तंजानिया और युगांडा के बीच जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारे लिए जो अगला क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिंह भूमि किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सिंह भूमि किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए। किसके लिए? तांबे के लिए, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है जो लास्ट है और हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारत में सर्वाधिक हीरा निम्न में से किस स्थान पर मिलता है? तो भारत में से सर्वाधिक हीरा निम्न में से किस स्थान पर मिलता है? पन्ना में। कहाँ पे? पन्ना में, ठीक है, याद कर लीजिएगा। सो कैसा लगा आज के क्लास में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर क्लास पसंद आए तो एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करके जरूर जाइएगा। जैसा कि मैंने कहा, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, और साथ में खबरी ऐप पे जरूर फॉलो कर लीजिएगा और जाकर के आज का क्लास देख लीजिए जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।
और एक चीज़ में और मैं बता दूँ आपको, स्टूडेंट्स की जो है खबरी पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ पे डेली जो है हर सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके जो है क्लासेस दिए जा रहे हैं। 2 से 3 क्लासेस डेली चलते हैं, चाहे इंग्लिश, मैथ, साइंस, करंट अफेयर्स, जीके, सारे जो है सब्जेक्ट से रिलेटेड क्लासेज रेगुलर चल रहे हैं, अलग से आपके एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है। सो फॉलो जरूर कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। धन्यवाद।